हे फ्रेंड्स, तो आज हम आए हैं कोर्ट के काम से। मैरिज सर्टिफिकेट बन गया हमारा, उसको अटेस्ट करवा के लेने आए हैं। और पतिदेव को हो रही है जल्दी, इनको देखनी है एक मूवी। मूवी 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 शाम का शो है हमारा। हमने कोर्ट का काम कुछ करवा लिया है, कुछ कल को होगा, आज पूरा हो नहीं पाया है क्योंकि कोर्ट का बंद होने का टाइम हो गया। और हमने तो यहाँ पर टिकट्स बुक करवा लिए हैं। हम मूवी देखने जा रहे हैं। बाय बाय। फ्रेंड्स, हम आ गए अंदर हॉल में और हम आए हैं, कौन सी मूवी देखने बताओ? द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी हम देखने आए हैं। और किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, बट थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए है ये मूवी, ताकि जो हमारी मिडिल एज गर्ल्स हैं, जो थोड़ी मेच्योर हैं, वो गलत चीज़ें देख के इन्फ्लुएंस ना हो। बाय। मूवी स्टार्ट होने वाली है, लेट्स सी कैसी है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। क्या बोलते हो, क्या कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पहले देखें क्योंकि ये काफ़ी, हम शादी के चक्कर में हम मूवी देख नहीं पाए, बट हम थोड़ा लेट हो गए। चलो, ये भी सही हुआ कि हिट हुई है तो इसलिए इतने दिन तक चल रही है। हाँ, तो हम अदरवाइज हमें फिर OTT देखना पड़ता। यहाँ पे देखने का अलग मज़ा है। बिल्कुल, अच्छी पिक्चर तो हॉल में देखने चाहिए, पैसे वसूल होने चाहिए मेकर्स के भी। चलो भाई, थैंक्स टू इंडियन सिटीजन्स, इन्होंने इस फिल्म को हिट किया। जी बिल्कुल, हमारा भी एक फायदा हुआ कि हम देख पाए इतने दिनों बाद भी। हाँ, काफी दिन ना, किसी का भाई, किसी की जान कितना दिन चली। वो हमने शादी से पहले देखी थी, ये शादी के बाद हमारी पहली मूवी है। हाँ, वो डिजास्टर पहले था। ये अब देखते हैं, अच्छी है, जब रिव्यूज अच्छे हैं तो अच्छी होगी, देखते हैं। बाकी बाद में मिलते हैं। बाय। ओहंग मुरादी You yourself decided to go to Syria. तो गाइस, मूवी हमने देख ली है और पीछे देखो मम्मी भी आ गई हैं। तो मम्मी को हम लेके जा रहे हैं बाहर कहीं पर कुछ घूमने के लिए। वैसे तो हम मालदीव तक जाने वाले हैं पहले, लेकिन वहाँ तो बस हमें थोड़ी देर का ही काम है। वहाँ पर हम बस जो शादी में फूल वगैरह लगे थे उनका विसर्जन करना है, और उनका विसर्जन करके बस फिर हम जाएंगे। वैसे तो करना नहीं चाहिए ज़्यादा विसर्जन वगैरह, बट हम जो भी विसर्जन करने जा रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल है। सिर्फ फूल वगैरह हैं जो शादी में यूज़ हुए थे, तो वो किया जा सकते हैं, क्यों जी। और इसके बाद हम देखते हैं, हम कहीं कुछ खाने के लिए जाएंगे। और मूवी हमें अच्छी लगी, काफ़ी अच्छा उसमें मैसेज है सोसाइटी के लिए, जो इमेच्योर लड़कियां अपने डिसीजंस नहीं ले पाती हैं, उनको कैसे इन्फ्लुएंस करके और कैसा उनके साथ तो फिर बाद में ट्रीटमेंट उनको मिलता है, कितना डिज़ास्टर उनकी लाइफ हो सकती है। तो ये एक अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की गई है, तो लड़कियों को समझना चाहिए ये बात। तो एनीवेज, अब हम चलते हैं विसर्जन करने। बाय। इसलिए मैंने इडली मंगा ली ताकि जल्दी आ जाए। यहाँ पर आ गए पर तुम लोग खाली नूडल्स खाओ, ये बहुत गलत बात है। हम नूडल नहीं खाते, हम खाना खाते हैं। डोसे आ गए हैं, और यहाँ अपनी कचौड़ी वचौड़ी की बातें चल रही है, आलू की सब्जी, चटोर पनीर, जितने भी करा लो। चलिए मिलते हैं आपसे डोसा खा के। हे फ्रेंड्स, हम कल यहाँ से आए थे, और ये मोंड है, और कल तक ये वाला, ये बिल्कुल नया रास्ता है जो अभी नया बना है, पूरा जंगल कट के। आप दोनों तरफ देख सकते हैं, अभी पहाड़ी कटी हुई है और ये इन्होंने खोल दिया है, और ये वो पुराने वाली रोड है साइड में, इसका काम चल रहा है, पुराने वाले रोड। कल हम वहाँ से आए थे और आज इन्होंने ये वाला खोल दिया है रास्ता, ये बिल्कुल अभी नया बना है, शायद आज से ही शुरू किया है। अच्छा है, बट एक खतरा है यहाँ पे कि अभी जो ये पहाड़ है ताजे कटे हुए हैं, और आप देख सकते हैं, देखो लैंडस्लाइड का बहुत ज्यादा खतरा है यहाँ अभी, यहाँ पे सीधे खड़े पहाड़ है। हाँ, अभी यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी जो एकदम लूज है, तो लैंडस्लाइड कभी भी हो सकती है। थोड़ा ही खोला है उन्होंने अभी, बाकी अभी हम दोबारा से अपनी वही मेन रोड पर आ गए, अभी बन ही रहा है, काम चल ही रहा है। काम
चल रहा है वो बात ठीक है, अच्छी है, बट थोड़ा सा लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। अब वहीं पर है इतना मतलब दूसरी लेन से दोनों तरफ आप देखो अगर खड़ी पहाड़ है, हाँ, ये तो और है। मिट्टी है, लूज मिट्टी है ना, अगर लैंडस्लाइड होती है तो ऑब्वियसली बात है कि जान माल का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तरक्की हो रही है, अच्छी बात है, ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट, बट थोड़ा सा अगर लोगों की सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाए तो अच्छा जाएगा, रखा जाएगा, डोंट वरी। ये हमने लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? हॉट चिप्स, मद्रास हॉट चिप्स। अच्छे नहीं है, ऑयली लग रहा है मुझे, बस ऑयली है, थोड़ा सा कसा हुआ टेस्ट है इनका, मतलब कुछ अजीब से स्मेल आ रही है मेरे को। हाँ बताओ, हम लैंडस्लाइड से लेके और फिर कहाँ पहुँच गए? मद्रास हॉट चिप्स तक, जो कि सही मायने में कुछ चीजें वहाँ पर अच्छी होती हैं, लोग भी जो उसके शॉपकीपर्स होते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं बेचारे। हाँ काफी कुछ टेस्ट भी कराते रहते हैं वो, कुछ तो बिके कुछ तो बिके। और मैं तो ये तो इतने बेचारे में कितना भी खा सकते हैं टेस्ट के मामले में, नमकीन के मामले में तो कोई क्रंची चीज हो और मैं उसको टेस्ट ना करूँ, ठीक है, ऑब्वियसली वेजिटेरियन, बट आई एम वेजिटेरियन, आई एम आल्सो वेजिटेरियन। कुछ टाइम बाद मे बी वीगन हो सकते हैं? नहीं नहीं, मेरे को कोई शौक नहीं है वीगन होने का। नो, हो सकते नहीं, ना मैं होंगी ना तो मैं होने दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए बाहर कितना खूबसूरत नज़ारा है। मुझे तो ऐसा टाइम बहुत ही अच्छा लगता है जब सनसेट का या सनराइज़ का टाइम होता है, तो बड़ा ही अच्छा सा एनवायरनमेंट लगता है मुझे उस टाइम पे। तो हम जा रहे हैं अब अपने घर, मतलब मेरी ससुराल, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।